सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज दर्पण चैनल को और दबाइए इस घंटी वाले बटन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके फैमिली में, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बूढ़े हो चुके होंगे, और आप लोगों ने उनका ओल्ड एज पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म या वैसे फॉर्म भरा होगा। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके माँ बाप का, आपके उन परिवार के लोग या गांव के लोगों का जो कि 60 वर्ष के हो चुके होंगे, उनका इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना में सिलेक्शन हुआ है, अर्थात उनका पेंशन बना है कि नहीं बना है। दोस्तों, हम यहां पर बताएंगे कि वो पेंशन बना है तो भी, और नहीं बना है, रिजेक्ट हो गया है वो फॉर्म, तो भी आप कैसे उसे चेक कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं नॉलेज दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके परिवार में या आपके माता पिता जो कि बूढ़े हो चुके हैं, जो 60 साल के हो चुके हैं, और आपने उनका इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, तो आप उसे चेक करने के लिए उनका पेंशन बना है कि नहीं बना है, आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, और आपको यहाँ गूगल में आ जाना है, और यहाँ आपको लिखना है ई लाभार्थी। दोस्तों, ई लाभार्थी लिख कर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक वेबसाइट खुलकर आएगी, ऊपर ही ऊपर आपको इस लिंक पर टच करना है। दोस्तों, जैसे आप उस लिंक पर टच करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ बिहार सरकार की ये ई लाभार्थी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। फ्रेंड, अब आप यहाँ चाहें तो ऊपर जो तीन डॉट दिख रहा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस डॉट पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ऑन कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप साइट पर यहाँ क्लिक कर देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर में पेज खुलता हो, ऐसे यहाँ पर खुल जाता है। अब फ्रेंड, आपको यहाँ करना क्या है कि आपको यहाँ देखना है, एक ऑप्शन आपको देखने के मिलेगा एंट्री रिपोर्ट का। तो दोस्तों, ये देखिए, आपके सामने यहाँ एंट्री रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस एंट्री रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको ER4 लिखकर उसके सामने लिखा है PFMS सेंट बेनिफिशियरी रिपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड, आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब फ्रेंड, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्कीम का जो ऑप्शन दिख रहा है, स्कीम के आगे आपको ऑल स्कीम लिखा हुआ है, आपको यहाँ टच करके यहाँ से आपको देखना है। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन लिखा मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पहला वाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फ्रेंड आपके सामने आपके उस डिस्ट्रिक्ट में सारे ब्लॉक खुल जाएंगे, आपको अपना ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, चलिए मैं यहाँ से पहला वाला ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड, आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा, जहां से आपको सभी पंचायत आपकी दिखने लग जाएंगी। तो आपको अपनी पंचायत यहां से देख लेनी है। उसके बाद फ्रेंड, पंचायत के सामने आपको आना है, और फ्रेंड आपके सामने यहां पर PFMS एक्सेप्टेड का एक ऑप्शन दिखेगा, और उसके बाद आपको PFMS रिजेक्टेड का यहाँ ऑप्शन दूसरा दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि PFMS एक्सेप्टेड का जो ऑप्शन है, इसके सामने आपको जो क्रम लिखा है, अर्थात इस ग्राम पंचायत में इसने फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, इतने फॉर्म जितनी पेंशन बनी है यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब इस पर आप टच करेंगे तो उनकी सारी लिस्ट देख सकते हैं, और आप PFMS रिजेक्टेड पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर वो लिस्ट दिखेगी जिन लोगों का फॉर्म कैंसिल हो गया है, जिनका पेंशन नहीं बना है। तो चलिए हम PFMS एक्सेप्टेड पर पहले क्लिक करते हैं। इसके नीचे जो लिखा है आपको ग्राम के सामने 3798, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ अगला पेज आ जाता है। अगले पेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको बेनिफिशियरी नेम, यहाँ पर आप अपना नाम देख लीजिए, उसके बाद अपने माता पिता या जिसका भी हो पेंशन उसका नाम देखिए, उसके उनके माता पिता का नाम, यहाँ उनके पिता का नाम देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कि किसका बना है किसका नहीं बना। दोस्तों अगर इस पेज में आपका नाम नहीं आ मिल रहा है तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं अगले पेज पर जाने का, 1 2 3 4 किसी पेज पर प्रेस करके आप अगले पेज पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा चेक कर सकते हैं कि आपका आपके फैमिली के किसी का भी यहाँ पर पेंशन बना है या नहीं बना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ बैक का ऑप्शन देख रहे हैं, आप इस बैक पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद फ्रेंड अब यहाँ से आप पीएफएमएस रिजेक्टेड पर भी हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। पीएफएमएस रिजेक्टेड के नीचे और आपके ग्राम सभा के सामने जो यहाँ अंक लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर आपके सामने अगला पेज, अब ये वो पेज खुलकर आ गया है जिन लोगों का फॉर्म यहाँ रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ बेनिफिशियरी आईडी और यहाँ उनका नाम और उनके पिता का नाम, ये सब आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपके फैमिली के मेंबर का ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन बना है कि नहीं बना है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड हम आपको यहाँ एक बात और बताना चाहते हैं, फ्रेंड अगर आपका ओवर एज पेंशन बन चुका है, आपके परिवार के मेंबर का बन चुका है, और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो पेंशन है वो पेंशन कितना आया है, आ रहा है कि नहीं आया है, उसका चेक करने के लिए, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।